हेलो गाइस, वेलकम टू नेहराज किचन। आज मैं आपसे कचौरी बनाने की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, और वो भी प्याज की कचौरी, जो राजस्थान की बहुत ही फेमस कचौरी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। राजस्थान में कचौरी बहुत फेमस है। यहाँ पे मूंग की दाल की कचौरी भी बनाई जाती है, मावा की कचौरी बनाई जाती है, और प्याज की कचौरी तो बहुत ही फेमस है। तो आज हम वही प्याज की कचौरी बनाने वाले हैं। तो चलिए बनाने की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए मैंने ये जार लिया है, और इसके अंदर 1 चम्मच में साबुत धनिया डालूंगी। ये मैंने जीरा लिया है 1 चम्मच, 1 चम्मच सौंफ ली है, और 1 चम्मच ही मैंने कसूरी मेथी ली है। इन सबको हम दरदरा पीस लेंगे। इसे हमें दरदरा ही पीसना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। ये देखिए, इस तरीके से दरदरा बनाना है। और अब इनको हम रोस्ट करेंगे। खड़े मसालों को रोस्ट करने के लिए मैंने पैन है वो गैस पर रख दी और गैस ऑन कर दी है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। और हमने जो दरदरा मसाला पीसा था वो इसके अंदर डाल देंगे। खड़े मसालों को जब हम हल्का सा रोस्ट करते हैं तो उनकी खुशबू है वो बहुत ही अच्छी आती है, और उससे हमारे जो खाने का टेस्ट है वो बढ़ जाता है। तो मसाले हैं वो रोस्ट हो गए हैं। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी ग्रेट की हुई मैंने अदरक डाली है, 2-4 कलियाँ मैंने लहसुन की ली है वो कट करके डाल दी, और ये बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ली है मैंने 2, इनको भी इनके साथ हम भून लेंगे। हल्का हल्का ही भूनना है हमें, ज़्यादा नहीं भूनना है इनको। तो हल्के से हमारे मसाले हैं वो रोस्ट हो गए हैं। अब इसके अंदर मैं प्याज डालने वाली हूँ। ये मैंने 4 प्याज लिए हैं जो बारीक काट लिए हैं मैंने, मीडियम साइज़ के प्याज हैं ये, क्योंकि हम प्याज की कचौरी बना रहे हैं तो प्याज इसमें थोड़े ज़्यादा ही लेंगे हम। फ्लेम को हमें लो मीडियम पर रखना है, ज़्यादा हाई में नहीं करना है, वरना हमारा प्याज और मसाले जल जाएंगे। प्याज को हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है जैसे सब्जी में करते हैं, इनको हल्का ही भूनना है हमें। जब तक ये थोड़े से ट्रांसपेरेंट हो जाए तब तक हम इनको भूनेंगे। ज़्यादा फ्लेम में अगर हम पकाएंगे तो उनका पानी है वो पूरा निकल नहीं पाएगा, तो इसीलिए हमें हल्की आंच पे ही पकाना है इसको। जैसे ही प्याज भूनते जा रहे हैं खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। मम्मी क्या बन रहा है? आज मैं प्याज की कचौरी बना रही हूँ, क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा था तो मैंने सोचा क्यों ना प्याज की कचौरी बनाई जाए। कितना टाइम लग गया है? बस फटाफट बनाने की तैयारी है। प्याज हमें जितने पकाने थे वो पक चुके हैं, और अब इसके अंदर मैं बेसन ऐड करने वाली हूँ 2 चम्मच। तो ये 2 चम्मच में बेसन डाल दूँगी। तो यहाँ पे कचौरी में बेसन डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से मसाले को बाइंड किया जाता है, वरना ये प्याज हैं वो अलग अलग बिखर जाते हैं और कचौरी के टेस्ट को भी बहुत बढ़ा देता है। तो हल्का सा हम बेसन को भी इस तरीके से भून लेंगे। थोड़ी सी मैं हींग डालूंगी। अब इसके अंदर मैंने 2 आलू लिए हैं, इनको उबाल के रखा हुआ है, इनको क्रश कर देंगे इस तरीके से। प्याज की कचौरी में आलू डाले जाते हैं लेकिन कम डाले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्याज की कचौरी हम बना रहे हैं तो प्याज ज़्यादा डाले जाते हैं, आलू हम कम डालेंगे। आलू और बेसन है वो मसाले को बाउंड करने के काम आते हैं, और इनसे इनका टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो अब इसके अंदर मैं मसाला डालूंगी। 1 चम्मच मैंने लाल मिर्ची ली है, 1 चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। नमक मिर्ची हैं वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आलू को हम इस तरीके से मैश कर लेंगे इसके अंदर। मसाले में बेसन और आलू डालने से ये मसाला है वो ज़्यादा गीला नहीं होगा। देखिए पहले से ये थोड़ा ड्राई हो गया है, और हम जब समोसे या कचौरी बनाते हैं तो हमें इसी तरीके का मसाला चाहिए होता है। मसाला ज़्यादा पतला होता है तो बनाते टाइम उसमें से निकल जाता है।
ये इसके अंदर मैं थोड़ा गरम मसाला डाल दूँगी, आधा चम्मच। यहाँ पे मैंने नींबू का रस लिया है, आप चाहिए तो अमचूर भी ले सकते हैं। इससे मसाले में हल्का हल्का खट्टापन आएगा, वो बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने एक चम्मच चीनी डाली है जो सभी मसालों का बैलेंस बना के रखेगा। तो एक चम्मच चीनी हमें डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी इसमें। मसाला बनने के बाद में आप एक बार चेक ज़रूर कर लें कि नमक मिर्ची कम तो नहीं है, तो आप उसमें और डाल सकते हैं। मसाले को इस तरीके से करके हमें पूरा बाइंड कर लेना है। तो मसाला हमारा तैयार हो गया है, अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अगर आपके पास हरा धनिया हो तो आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं। हम कचौरी का आटा लगाकर तैयार करते हैं। कचौरी के लिए हमने मसाला तो तैयार कर लिया है, उसके लिए आटा गूंथकर हम तैयार करते हैं। हमने यहाँ पे मैदा लिया 1.5 कप, और इसके अंदर मैं 1 चम्मच अजवाइन डालूँगी। अजवाइन से इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा मैं नमक डालूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग, और ये 1/4 कप मैंने ऑयल लिया है। तो यहाँ पे मोइन डालना बहुत ज़रूरी है, मोइन नहीं डालेंगे तो हमारी कचौरी है वो खस्ता नहीं बनेगी। पूरे मोइन को हम मैदा में इस तरीके से मिला लेंगे। मोइन हमें इतना डालना है कि इसको मिक्स करने के बाद में और हाथ से हम दबाते हैं तो इस तरीके से दिखना चाहिए वो, तभी हमारी कचौरियाँ हैं वो सही बन पाएंगी। तो अब मैदा को गूंद कर हम एक डो तैयार करते हैं। ज़्यादा हार्ड डो नहीं बनाना है हमें, थोड़ा सा सॉफ्ट ही बनाना है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, एक साथ नहीं डालना, वरना हमारा डो है वो बहुत पतला हो जाएगा और कचौरी नहीं बन पाएंगी। मैदा को गूंद कर हमने डो तैयार कर लिया है, अब 5-7 मिनट के लिए इसको ढक कर रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए। मसाला ठंडा हो गया है, और अब इसको कचौरी बनाने के लिए हम छोटी छोटी बॉल्स तैयार करते हैं। तो जितनी बड़ी हमें कचौरी बनानी है उसी तरीके से हम बॉल तैयार करेंगे। इस तरीके से हम बॉल बना लेंगे इनकी। अगर कचौरी का मसाला बच जाता है तो दूसरे दिन भी इसको यूज़ कर सकते हैं, फ्रिज में रख दें ढककर, तो इसको बाद में भी हम काम में ले सकते हैं। पूरे मसाले की बॉल्स बना के हम पहले तैयार कर लेंगे और उसके बाद में हम इनको भरेंगे। ये देखिए बॉल्स बनाकर तो हमने तैयार कर लिए, अब हमने जो डो तैयार किया था उसको चेक करते हैं। 5-7 मिनट हो गई हैं, और अब इसको हम हल्का हल्का सा दबा के इसको थोड़ा सा सॉफ्ट बना लेंगे। तो देखिए हमारा डो भी तैयार हो गया है, और इतना सॉफ्ट बना है देखने में आपको पता चल रहा होगा, इतना सॉफ्ट हमें डो बनाना है। तो अब इनकी हम लोइयां बनाते हैं। जैसे हम रोटी बनाते हैं उसी तरीके से लोइयां बना लेनी है, और लोइयां बना के हम हाथ से भी बना सकते हैं और बेलकर भी बना सकते हैं। इस तरीके से अंगूठे से इसको बढ़ा लें, इसके किनारे हैं वो हमें पतले करने हैं इस तरीके से। अब इसके अंदर हमने जो बॉल बनाई थी वो रख देंगे। लास्ट में हम इसको इस तरीके से घुमाकर एक्स्ट्रा है वो निकाल देंगे, और थोड़ा सा हम इसको दबाएंगे। ये देखिए हमारी कचौरी है वो तैयार हो गई है। तो इस तरीके से हमें पूरी कचौरियाँ तैयार करनी है। और यहाँ पे मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है कचौरी बनाने के लिए।
यहाँ पे 3 कचौरी का मसाला और बच गया है और अभी मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, ये ख़राब नहीं होगा, तो कुछ टाइम बाद में हम फिर से इसको बना सकते हैं। तो ये लीजिए, हमने कचौरियाँ तैयार कर ली हैं, ऑयल गर्म हो गया है, अब कचौरियों को हम फ्राई करते हैं। फ्लेम को हम लो मीडियम पे रखेंगे, हाई पे नहीं करना है। अगर हाई पे हम करते हैं तो हमारी कचौरियाँ हैं वो बाहर से तो पक जाएंगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएंगी और क्रिस्पी भी नहीं बन पाएंगी, तो फ्लेम को लो मीडियम पे ही करके रखना है, इस चीज़ को याद रखना है। तो लीजिए, हमारी कचौरी है वो तैयार हो गई है, अब इनको हम निकाल लेते हैं। ये लीजिए, सभी कचौरियों को हमने फ्राई कर लिया है, अब इनको किस तरीके से सर्व करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब इनको मीठी चटनी के साथ में आप सर्व कर सकते हैं। तो एक तरीके से मैं आपको सर्व करना और बताती हूँ, क्योंकि हमारे घर में सब लोग उसी तरीके से ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए, कचौरी को इस तरीके से लेते हैं और हल्का सा इसको क्रश करते हैं हम। थोड़ा दही डालेंगे हम। यहाँ पे मैंने इमली की चटनी बना रखी है तो इमली की चटनी भी डाल देंगे और थोड़े से कटे हुए हम प्याज डालेंगे। इस तरीके से आप भी एक बार सर्व करके देखिए, आपको बहुत ही अच्छी लगेंगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी उसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे, और मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में। कचौरी बनाते समय कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम डो तैयार करें, मोइन हमने क्वांटिटी में बताया है, मतलब मेजरमेंट उसी तरीके से होना चाहिए। अगर मोइन कम होगा तो हमारी कचौरी है वो अच्छी नहीं बन पाएंगी। दूसरा, हम जब भी इनको फ्राई करें तो लो मीडियम पे करके रखें, हाई पे बिल्कुल नहीं करना है। अगर हाई पे करके हम फ्राई करेंगे तो हमारी कचौरी है वो अंदर से नहीं सिक पाएंगी और बाहर से सिक जाएंगी, अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो इन दो चीज़ों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है।